दिखने में है, और ये भाई साहब ने अलग से लगवाया हुआ है, देख सकते हैं लकड़ी का। इस पर क्या आपका मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और जो अंदर में लाइट लगी हुई है, जैसे किसी वीआईपी होटल में लाइट लगी रहती है, सेम टू सेम वैसी लाइट लगवाई है भाई ने एकदम। एक बार सीट देखेंगे, एकदम शानदार लग रही है, बहुत ही वीआईपी आप देख सकते हैं। और इसका जो कलर है इन्होंने रखा है सीट का, काफ़ी शानदार कलर है, सफ़ेद में रेड का बॉर्डर लगा हुआ है, वाइट भी है बीच बीच में मैचिंग के लिए। और ये ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट काफ़ी शानदार एकदम स्टाइलिश है, दोनों साइड में छोटी छोटी सीट बनाई गई है ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा सवारी का भी मिल जाए तो आप बैठा सकते हैं। सामने में दो तीन जेब बने हुए हैं जिससे कि आप आपका मोबाइल चिल्लर वगैरह कोई कागज़ डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पानी के बोतल रखने की जगह है। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झूमर बने हुए हैं तीन, और तीनों में अलग अलग कलर है। वाह भाई, बहुत ही शानदार एकदम ज़बरदस्त। और ये भी भाई ने अलग से बनवाया हुआ है, ये कंपनी का ओरिजिनल इस प्रकार से नहीं है, ये वाइट वाली स्टील का यूज किया गया है। वाइट स्टील हल्की रहती है लेकिन मजबूत बहुत रहती है। कंपनी की तरफ से जो इसका पाइप आता है वो राउंड में या ब्लैक कलर का रहता है। अब इसके पीछे की सीट दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ। यह है इसका दरवाज़ा, इसका दरवाज़ा हाफ दरवाज़ा है और लॉक वाला है, ये इस प्रकार से खुलेगा और ऐसा लॉक हो जाएगा। ये है इसका बटन, दोनों साइड में आपको दरवाज़ा मिलेगा। पीछे की सीट भी काफ़ी लग्जरी है एकदम वीआईपी, आप देख सकते हैं आराम से तीन सवारी आप बैठा सकते हैं, और अगर सवारी थोड़ा एडजस्ट करने लायक है तो आप चार भी बैठा सकते हैं, लेकिन तीन बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये भाई साहब ने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा किया है इसको मॉडिफाई करने में। इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर का जो सीलिंग है, हुड है, वो दिखा देता हूँ। हुड में आपको एक सूटकेस वगैरह कुछ रख भी सकते हैं, शायद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन के लिए बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सिल्वर कलर में है। और इसके पीछे का जो है वो भी काफ़ी शानदार है, इन्होंने कांच लगवाया हुआ है पीछे का जो पर्दा है इस पर, ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। इससे क्या होता है मेरे भाइयों के, जब आप गाड़ी पीछे लेते हैं तो आपको पीछे पूरी गाड़ी दिख जाती है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे जा रही है, पीछे में कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी है। इसके बाद में ये पीछे में एक बम्पर लगा हुआ है सपोर्ट के लिए, ताकि अगर कोई आपकी गाड़ी को ठोकता है तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, डैमेज नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी तक मैंने इतनी लग्जरी गाड़ी नहीं देखी है जितनी लग्जरी ये है, मुझे तो वास्तव में बहुत ही पसंद आई है। आप लोगों को गाड़ी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें कि ये गाड़ी कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल EB लाइव न्यूज़ पर। और आज हमारे सामने में पियाजो कंपनी की इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, जो कि एक इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा नहीं है, ये ऑटो रिक्शा है इलेक्ट्रिक। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे कस्टमर का, जो इसके ओनर है, मालिक है, जो चला रहे हैं, तो गाड़ी कैसी है, वो कितने दिन से चला रहे हैं, गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है, कब लिए, कितने में लिए, और अगर आपको लेना है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे की बटन को दबाएं। ये गाड़ी है उज्जैन के रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई है, और मैं उज्जैन आया हुआ था तो मुझे ये गाड़ी दिखी, तो मैं सोचा इसका एक रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पियाजो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बीच में दो सुंदर से हेडलाइट है, पूरी मेटल बॉडी के साथ में, राउंड शेप में इसका ग्लास मिलेगा गोल वाला, सिंगल वाइपर के साथ में, और सिंगल वाइपर आपके ग्लास को पूरी तरह से साफ कर सकता है। गाड़ी कैसी है, कितने किलोमीटर चलती है, इसका पूरा रिव्यू करेंगे जो इसके मालिक है, इसके ओनर है, उनके साथ में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है पियाजो की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आपेस ECT FX Max।
जो कि प्याजो का जो FX था उसी का अपडेट वर्जन है FX Max। इसके पहले प्याजो की FX आती थी और कंपनी ने अभी अपडेट करके न्यू वर्जन लॉन्च किया है। तो ये गाड़ी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? सचिन राठौर। राठौर जी, आप कितने दिन से चला रहे हैं इसको? इसको 5 महीने हो गए बराबर। 5 महीने बराबर हो गए। हाँ। अच्छा, तो गाड़ी का रिस्पॉन्स अभी कैसा है, कैसे लगे? गाड़ी तो मस्त चलती है, एक नंबर। ऑटो को फेल कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेल गाड़ी है, इलेक्ट्रिक नहीं लेना चाहिए। ये थोड़ी अच्छी है, जो बैटरी वाली गाड़ी है वो कम है, बाकी ये पावर में है थोड़ा। अच्छा, ये पावर में है। थोड़ा और आप इस साइड ले आ जाओ, थोड़ा ज्यादा नहीं, यहाँ पे। अच्छा, ये भागने में भी अच्छी है। अच्छा, कितनी स्पीड तक भागती है? अरे ये तो जितनी दौड़ाओ उतनी कम पड़ जाए। फिर भी कितनी लास्ट स्पीड के? 80-90 तक चलती है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं 55-60 चलती है। नहीं नहीं, चलती है इतनी। ऑटो के बराबर, ऑटो से ऑटो को मार दे देती है। अच्छा, कितने घंटे में फुल चार्ज होती है ये? 2 घंटे में। 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है? हो जाती है। आप सही सही बता रहे हैं कि कुछ जोड़ के बता रहे हैं? सही बता रहा हूँ मैं, 2 घंटे में फुल चार्ज है। कि देखो, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोई खरीदना चाहता है, नहीं नहीं, 2 घंटे में हो जाती है, 2 घंटे में फुल हो जाती है। आप ऐसा मत, अभी ये लोग उन्होंने तो क्या है कि रात भर लगा के रखते हैं तो बैटरी फूल जाती है। अच्छा, कोई मतलब नहीं रहता है। बिल्कुल, 2 घंटे लगा लो, 2 घंटे में फुल हो जाती है। बिल्कुल, तो आप सही जानकारी देना, क्योंकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कोई खरीदना चाहता है, नहीं नहीं, तो उनको मन में कोई एक डाउट ना रहे। बिल्कुल, मैंने आपको जो गाड़ी की कीमत क्या है? गाड़ी की कीमत तो अपन ने किस्त में ली यार। तो नगद में कीमत क्या है? नगद में तो 5 लाख रुपए। नहीं, 4.5 लाख की है। 4.5 लाख की, तो अपने फाइनेंस में लिया है? फाइनेंस करा अपन ने, 50-60 हज़ार दिए हैं। अच्छा, और 8,600 रुपए की किस्त आती है। कितने महीने, कितने साल की? 4 साल की। 4 साल की है। तो एक बार जैसे फुल चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। हाँ, 2 घंटे, 2 घंटे फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन कंपनी तो 4 घंटे बोलती है, 3 घंटा 45 मिनट। नहीं, 3 घंटा तो वो ये गाड़ी लेती है। अच्छा, वो वाली? हाँ, अपनी तो 2 घंटे में फुल हो जाती है। अच्छा, तो एक बार फुल चार्ज कर कितने किलोमीटर चलती है? वो किलोमीटर तो क्या, हम तो दिन भर दौड़ाते रहते हैं। फिर भी कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर, कंपनी 150 बोलती है, 150 चलती है। अच्छा, आप कितनी कमाई कर लेते हैं इसमें एक बार फुल चार्ज करके? इसमें हो जाती है कम से कम 1,200-1,500। 1,200-1,500 के आसपास। और वारंटी क्या मिली है गाड़ी की? वारंटी तो दी है ना, 2 साल। 2 साल? ये भाई साहब को शायद पूरी जानकारी नहीं पता है, इसके आगे की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये पियाजो कंपनी की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, इसकी वारंटी 80,000 किलोमीटर या 3 साल मिलती है। चार्जर की वारंटी, जो नया वाला चार्जर है उसकी वारंटी 3 साल मिलती है। और दोस्तों, गाड़ी की कीमत है 3,85,000 नगद में, इंदौर ऑल इंडिया में, और अलग अलग स्टेट में कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ हर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की। तो दोस्तों, गाड़ी बहुत ही शानदार है, आप खरीदना चाहें तो आपके शहर में, आपके स्टेट में देखें, टेस्ट ड्राइव करें, इसके बाद में आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।